क्या कर रही है। डैड के कातिलों का अभी तक कुछ नहीं पता और अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है। कातिलों ने क्या कोई सुराग नहीं छोड़ा? पुलिस अपना काम कर रही है, लेट्स सी क्या होता है। बाहर कोई आया है? कौन है भाई, आ जाए, दरवाजा खुला है। आप लोग यहाँ? कातिल का पता चल गया था, सोचा आपको बता भी दें और गिरफ्तार भी कर लें। क्या मतलब है आपका, कौन है कातिल? एक को तो हमने गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे को ये लेडी ऑफिसर गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करो इसे। क्या हो रहा है, प्लीज मेरी बात तो सुने। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, ये क्या मजाक है? हाँ, मैंने कत्ल किया अली हाशमी का। क्यों किया तुमने ऐसा? शादी से पहले ही उसकी नजरें कुछ ठीक नहीं थी, जरूरत से ज्यादा ही मेरा ख्याल रखते थे, हर वक्त मेरा ख्याल। अरे भाई तुम आओ तो सही, बैठो। अरे आलिया तुम क्या हो रहा है? बस देख रहा था, पूल का पानी कुछ गदला गदला से लग रहा है, सोच रहा हूँ इसको चेंज कर दिया जाए। और क्या क्या चेंज करने का इरादा है? आओ तुम देखो, जरा पानी देखो। मुझे लगने लगा था कि अगर मैं उन्हें अपने चक्कर में फंसा लूंगी तो उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर लूंगी, और जिस तरह अहमद ने अपने डैड के रोब में सारी जिंदगी गुजारी है, मैं वैसे नहीं गुजारूंगी। अपनी जिंदगी में बहुत आजादी से गुजारूं। बस यही बेवकूफी कर दी तुमने। मुझे तुम पर शक इस बात पर हुआ कि हाशमी साहब ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम क्यों कर दी, वरना कत्ल तो तुमने सफाई से किया था कि बस। वैसे उस दिन क्या हुआ था? मैं उस दिन अहमद के जाते ही उठ गई थी। हेलो अहमद, वो मैं मॉम की तरफ जा रही थी, तुमने कहा था ना कि बता देना, इसलिए बता रही हूँ। अच्छा तुम कहाँ हो? ओके, अच्छा रात को पिक करना मत भूलना, ठीक है? ओके बाय, लव यू। हेलो जी, आप आ जाए।
जायदाद के लिए अक्सर खानदानों में झगड़े और नाचाकियां आम हैं। इंतहाई हालात में खानदान के अफराद एक दूसरे का कत्ल भी कर देते हैं। इस तरह के वाकयात आम हैं क्योंकि जायदाद के तनाज़ात अदालतों में लंबे अरसे के लिए हल तलब रहते हैं। जायदाद के तनाज़े पर होने वाले कत्ल की एक ताज़ा मिसाल मेन लियाकतबाद में एक शख्स के हाथों अपनी दो फुप्पियों का कत्ल है। लेकिन जायदाद के तनाज़ों के अलावा भी बाज़ औक़ात जायदाद हासिल करने का लालच भी कत्ल जैसी वारदात का सबब बनता है। ऐसे वाक़यात माशरे के किसी भी तबके में पेश आ सकते हैं, लेकिन ऐसा अपर और अपर मिडिल क्लास में ज़्यादा पाया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के माशरती मसाइल ने इंसान को खुदगर्ज और मफाद परस्त बना दिया है और इन वजूहात की बिना पर ही इंसान में बेहिसी बढ़ गई है। अब ऐसे वाक़यात भी देखने में आते हैं कि लोग माल दौलत और जायदाद की खातिर अपने वालदैन तक को कत्ल कर देते हैं। इन उमूर का ज़िम्मेदार इनफरादी तौर पर एक इंसान नहीं होता, बल्कि पूरी एक कड़ी है जो सिलसिलावार चलते हुए पहले इंसान, फिर उसके खानदान और फिर पूरे माशरे को मुतासिर कर रही है। इस केस की इब्तदाई तफ्तीश से ये बात काफ़ी हद तक साबित हो रही थी कि कातिल बेटा है और इसकी वजह बाप और बेटे के बीच तनाव की सी सूरत हाल थी। मरने वाले के वकील से भी पुलिस ने पूछगिछ की, जिसके बाद ये बात वाज हो गई कि बाप अपनी तमाम तर जायदाद और बैंक अकाउंट अपने बेटे के नाम करने के लिए वकील को हदायत दे चुका था, लेकिन अचानक अपनी बहू के नाम तमाम जायदाद कर दी, जिसकी तलाब बेटे को भी थी। मजीद इंटरोगेशन के बाद मुलजमा ने कत्ल का इतराफ़ कर लिया। इस जुर्म के लिए मुलजमा की मामनत इसकी मां ने की थी। कल दोनों मुलजमान को अदालत में चार्जशीट के साथ पेश किया गया।